सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो एबीपी सांझा। लीड स्टोरी च सब तो पहला हेडलाइंस। बिक्रम मजीठिया के खिलाफ जारी होया लुकआउट सर्कुलर। पंजाब सरकार दी अपील ते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिस। गिरफ्तारी ले भी हो रही है थावा छापेमारी। बिक्रम मजीठिया के हक च अकाली दल ने खोलिया मोर्चा। कहा दागी अफसर की आड़ हो रही है बदलाखोरी की सियासत। 24 दिसंबर सारे SSB दफ्तर घेरन का भी किया ऐलान। सरकार का पलटवार। कहा कानून मुताबिक होगी कार्रवाई। पंजाब सरकार के मुलाजमान लिए कोरोना टीका लाजमी। बिना टीके वाले मुलाजमान नहीं मिलेगी तनखा। IHRMS पोर्टल उत्ते देनी होगी पूरी जानकारी। हरियाणा च भी बस सफर लिए लाजमी किया वैक्सीनेशन। दरबार साहब बेअदबी मामले के मुलजम की नहीं हो सकी पहचान। पुलिस ने पोस्टमार्टम तो बाद किया संस्कार। 2 दिन बीतने के बावजूद SIT नहीं सौंप सकी रिपोर्ट। किसानों के धरने ने ट्रेनों से लाई ब्रेक। सूबे 247 रेल गड्डियां प्रभावित। 91 ट्रेन हुई रद्द। खरड़ च भी कच्चे अध्यापकों का धरना लगातार जारी। पंजाब सरकार ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ होर सख्ती कर दी है। गृह मंत्रालय ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। पंजाब पुलिस भी मजीठिया की भाल च छापेमारी कर रही है। पिछले दिन बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ NDPS एक्ट दी धाराओं तहत केस दर्ज होया सी। पंजाब विच ड्रग्स केस के मुलजम अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होया है। मजीठिया के विदेश भजन के खदशे दौरान पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय जरिए लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया है। LOC नाल सारे एयरपोर्ट बंदरगाह ते होर थावां उत्ते अलर्ट जारी कर दिता गया है। जेकर मजीठिया भजन की कोशिश करे तो फड़िया जा सके। कहा गया कि केस दर्ज होने बाद 21 दिसंबर की रात तो ही बिक्रम मजीठिया लई पंजाब पुलिस छापेमारी कर रही है। इस तों इलावा कॉल डिटेल सने करीबियों उपर भी नज़र रखी जा रही है। पर अकाली दल के लीडर परमबंस सिंह बंटी रुमाणा मुताबक बिक्रम मजीठिया अपने हलके विच ने यार लुकआउट नोटिस नू मैनू तां पता लग्या मजीठिया हलके च फिरदे आ। लुकआउट किथे करना है जाके? एंड ही इज एन इंडिविजुअल यार, ही हैज हिज राइट्स। वकील साडे सियाणे आ। मैनू तां पोलिटिकली मैं गल कर सकदा या पोलिटिकली गल कर दे नाल तुहानू कागजां नाल फैक्ट्स सामने रखे है। बेल च कदों जाणा है, जाणा वी है कि नहीं जाणा, इह वकील फैसला कर लैणगे या as an individual he can take a call। ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਅਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੁਕਦਮਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਨੀ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਓ ਫਿਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ 4 ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ FIR NDPS ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27A ਅਤੇ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NDPS ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਨ ਦੇਣਾ। NDPS ਦੀ ਧਾਰਾ 27A ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ। NDPS ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ। NDPS ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ SIT ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। AIG ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ DSP ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਵਿੱਚ ADGP ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ? ਕੀ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,
मनिंदर सिंह औलख बिटू औलख परमिंदर सिंह पिंती ते अमरिंदर सिंह लाडी नशे के कारोबार च लगे हुए सन। कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने सतप्रीत सिंह सत्ता नूं सूडो एफिड्रीन पहुंचाउण च कोई भूमिका निभाई सी? कि मजीठिया ते इन्हां मुलजमां विचकार कोई पैसे का लैन देन भी सी जां नहीं? चन्नी सरकार ने एसटीएफ की रिपोर्ट उत्ते एडवोकेट जनरल की राय लैके एनडीपीएस एक्ट तहत केस दर्ज किया है। साल 2013 च अकाली दल की सरकार सी। जीरकपुर च अनूप कालों के फ्लैट की छत तो हैरोइन बरामद हुई। बॉक्सर विजेंद्र का नाम आया। मोहाली पटियाला फतेहगढ़ साहब च कई थावां तो बरामदगी हुई। ड्रग समगलरां की चेन फड़ी। किंग पिन जगदीश भोला सी। पुलिस ने बिट्टू औलख जगजीत चहल समेत कई गिरफ्तार किए। ईडी ने भी ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी ने ड्रग्स रैकेट च गिरफ्तार मुलजमान रिमांड ते लिया। जगदीश भोला जगजीत चहल ने मजीठिया का नाम लिया। कनैक्शन यह जोड़ा गया कि पंजाब तो सूडो एफिड्रीन और एफिड्रीन की सप्लाई कैनेडा विच एनआरआई सतप्रीत सत्ता नूं जांदी सी। ईडी ने दसा कि सतप्रीत सत्ता की मजीठिया नाल दोस्ती सी। वह मजीठिया नाल मिलता सी ते उन्हां दी गड्डी दे इस्तेमाल करता सी। 6,000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट की सरगना जगदीश भोला ने कोर्ट विच पेशी दौरान मजीठिया का नाम लिया सी। इस दौरान ईडी ने बिक्रम सिंह मजीठिया नूं पुछगिछ लई बुलाया पर बयान दर्ज करने के अलावा अगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 कांग्रेस ने इस चुनावी मुद्दा बनाया। 2018 हाई कोर्ट ने ईडी के रिकॉर्ड को एग्जामिन करने बाद एसटीएफ की रिपोर्ट देने के आदेश दिए। एसटीएफ के चीफ एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू ने हाई कोर्ट में सील कवर रिपोर्ट दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल में हाई कोर्ट सुनवाई चलती रही पर कैप्टन को हटाने के बाद नवजोत सिद्धू ने सीएम चन्नी उत्ते कार्रवाई के लिए दबाव बनाया। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जनवरी 2022 होनी है पर इस दौरान एडवोकेट जनरल की राय लैके बिक्रम मजीठिया से केस दर्ज किया गया। 45 साल के बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब के विधानसभा हलका मजीठा तो विधायक ने। बिक्रम मजीठिया 2007 तो लगातार 3 बार चोण जित के हैट्रिक लगा चुके हैं। 2007 तो लैके 2017 तक बिक्रम मजीठिया 10 साल कैबिनेट मंत्री रहे। मजीठिया पार्टी में जनरल सकत्तर के अहुदे उपर ने। हुनैन चोणा मौके एनडीपीएस एक्ट तहत मजीठिया खिलाफ दर्ज केस ने सूबे की सियासत च भूचाल लिया दिता है। बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज केस बाद सूबे की सियासत गरमा गई है। ब्रेक तो बाद गल करते हैं। एन चोणा मौके बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ दर्ज केस ने सूबे की सियासत को पखा दिता है। कांग्रेस ते अकाली दल आमू सामने है। अकाली दल बदलाखोरी की राजनीति के इल्जाम ला रहे हैं जबकि कांग्रेस का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। अज पूरी तरह समझ आ कि नहीं आता कि 75-25 चलन रही थी कि नहीं चलन रही थी। सरकार नूं मूंह तोड़वा जवाब देवांगे। परसों हर जिला हेडक्वार्टर ते एसएसपीआं दा घराओ कीता जा रहा है। फोक दे सिंघां नूं हत्थ पा के पुट्ठा पंगा ले लिया। उह तां जट्टीए कहिंदा ना मैं कहिंदा सुखीए। तूं इस गल दा खमियाजा भुगतना पऊगा। जनरल सकत्तर ते गिरफ्तारी दी तलवार लटकी है। पंजाब पुलिस श्रोमणी अकाली दल दे लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया दी पाल च छापे मारियां करन च लगी है। बिक्रम सिंह मजीठिया ता अजे पुलिस नूं नहीं मिले पर श्रोमणी अकाली दल ने पुलिस नूं ही घेरन दा ऐलान कर दिता है। 24 दिसंबर नूं पंजाब भर दे विच एसएसपी दफ्तरां दे बाहर श्रोमणी अकाली दल प्रदर्शन करेगा। पार्टी दा वड्डा लीडर संजीदा मसले च घिरिया तो श्रोमणी अकाली दल ने बचाज हरप्रीत सिंह सिद्धू दी एसटीएफ रिपोर्ट डीजीपी दी नियुक्ति बीओआई दे डायरेक्टरां दीआं बदलियां तो लैके मोहाली च स्टेट क्राइम सेल सब ते सवाल खड़े कर दिते। मैं क्या कोई गल नहीं जिन्ने मर्जी चत्तो पा दिया जिन्ने मर्जी चन्नी जिन्ने मर्जी सुखी रंधावा केस कर ला कल्ले 2 महीने रह गए फिर थोनू भुगतने पैणगे फिर पंजाब दी जनता थोनू लंबे पाऊ। मैं तैनू अज दस दिना किवें
इस केस दे विच FIR रजिस्टर कराउण वास्ते द इंटायर माइट ऑफ द स्टेट वॉज यूज टू टारगेट एन इंडिविजुअल एंड टू फ्रेम एन इनोसेंट परसन इन दिस सीरियस केस। मेरा सवाल है सरकार नू, जिस थाने च ओरिजिनल FIR है फिर उत्थे FIR क्यों ना दर्ज हुई? ये जवाब पंजाब दे लोकां नू दिओ। ओ इस करके नहीं हुई कि पटियाला पुलिस ने जवाब देता कि असी इलीगल एक्ट नहीं करांगे, लिखती जवाब SSP पटियाला ने सरकार नू दिता है। सो नो इन्वेस्टिगेशन, नो इनक्वायरी, बट अ परसनल ओपिनियन ऑफ अ परसन हु हैज स्ट्रेंड रिलेशनशिप विद देयर फैमिली, ओदे ओपिनियन ते एक FIR दर्ज कर दिती जांदी है। यह नवा एक मील पत्थर सरकार ने साबित किया। सरकार नाल डटमी लड़ाई लड़ांगे, सरकार नू मूंह तोड़वा जवाब देवांगे। परसों हर जिला हेडक्वार्टर ते SSP दा घराओ किया जा रहा, SSP दे दफ्तरां दा, ते इस लड़ाई नू तेज करांगे। जिहड़ा ये पंगा ले लिया इन्हां ने, मैं कल वो चद्दू माजरा साहब वाली गल ही दोबारा कहूंगा, बोक दे सिंगा नू हथ पा के पुठा पंगा ले लिया, वह तो जटीए कहिंदा ना, मैं कहिंदा सुखीए, यह पंगा तुसी ले लिया, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। तुसी नीवें पद्धर की राजनीति कर रहे हो, थोनू इस गल का खमियाजा भुगतना पऊगा। अकाली दल सरकार तो लेके पुलिस सब दे दवाले हुए, पर बहुत चर्चित 2 करोड़ी ड्रग केस बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ मामला दर्ज करवा पंजाब सरकार लोका सामने अपनी खूब पिट थापड़ रही है। की गृह मंत्री की मुख्यमंत्री सब इस कारवाई नू अपनी सरकार दी वड्डी प्राप्ति गिनवारे ने। रंधावा दम भर चुके ने कि FIR हुई है, जल्दी मजीठिया भी सलाखां पिछे होणगे। रब दे घर देर है अंधेर नहीं। लंबे समय तो असी अपने पंजाब दी जवानी अते उजड़ियां कोखां नू इंसाफ दवाउण लई संघर्ष कीता। आखिरकार वाहिगुरु जी ने पंजाब दी पुकार सुनी। इंसाफ दवाउण वाला ओ परमेश्वर है, असी तां बस एक जरिया बणे आ। हैशटैग मजीठिया इन प्रिजन सून। गृह मंत्री लोकां नू भरोसा दे रहे ने, ते पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू लोकां नू भरोसे च लै रहे ने कि सितंबर महीने च जो अस्तीफा दिता सी उस दा असर हुण होया। जिन्हां नू 2-3 महीने पहलां इह समझ नहीं आउंदा सी सिद्धू ने अस्तीफा क्यों दिता, अज पूरी तरह समझ आउंदा कि नहीं आउंदा कि 75-25 चलन डई सी कि नहीं चलन डई सी। हाँ जी, इसे 75-25 दे नाल, इसे माफिए दे नाल मैं लड़दा रहा और लड़दा रहूँगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 साल सुत्ता पिया सी। ये रिपोर्ट सरकार नू दित्ती कोर्ट ने, ते कहना सीगा मैं पढ़ी नहीं। इहदे एडवोकेट जनरल ने किहड़ा केस जिताया, 6 महीने पहला भजाता, इन्हें कख नहीं किया, आपकी जान बचाई है ED तो। ते अज भी यह कोई किसी नू किसी पार्टी का प्रेम नहीं है, ED प्रेम है। कैप्टन बादल तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू अरविंद केजरीवाल वाल भी हुए। मसला मजीठिया तो मुआफी मंगन दा जो है, सिद्धू ने सवाल किते, हालांकि जवाब अगो उसे लहजे च आया। केजरीवाल ने मुहिम शुरू की थी, कहते की थी पिछली बार, याद करो ना, नशियां ते ना, ते ओही केजरीवाल I am sorry कह के I am sorry सर गोड्यां च सिर ला गया सी बिक्रम जीते दे। ये किहड़े मुंह नाल कहणगे भी रिपोर्ट सही है? ये ओही केजरीवाल है जिहड़ा अज ब्लैक लिस्टेड अकाली दल दे MLA दीप मल्होत्रा नू अपनी पॉलिसी तोड़ के शराब दे ठेके बिकवा रहा। देखो नवजोत सिंह सिद्धू दा वो हाल आ, वक्त तो गुंजी डूमणी गावे आल पताल। पिछले 15 सालां तों सरदार नवजोत सिंह सिद्धू सरकार विच आ। मैं नवजोत सिंह सिद्धू नू पुछना चाहुंदा गा, तू जफियां पाउंदा हुंदा सी बिक्रम मजीठिया दे नाल, तेरी धर्म पत्नी अकाली दल नाल 5-10 साल
10 साल सत्ता च रही आ, 5 साल तू कैप्टन साहब ने सत्ता च रहा गा, तू 15 साल चुप रहा, 15 साल तू अपना मुंह, तेरे मुंह ते रहेगा मुंह चुप रहा, तू क्यों नहीं बोलिया पंजाब दे लोकां दे लई? हुण इलेक्शन आ गई, तू कदे केजरीवाल साहब दे खिलाफ बोल लांगा, कदे कुछ। ड्रग्स करके पंजाब ने काफी बदनामी खट्टी। बहु करोड़ी ड्रग्स केस दौरान जदों मुलजम जगदीश पोला ने साबका मंत्री दा नाम लिया तो पंजाब दी सियासत च भूचाल आ गया। 2017 जिस मुद्दे ते खूब सियासत हुई, 5 साल लंघे, कैप्टन ते वादा वफा ना करन ते मसले दा हल ना कढ़न दे इल्जाम लगे, मुख्यमंत्री बदले पर सवाल ना बदलिया कि आखिर कदों फड़े जाणगे ड्रग्स मसले च वड्डे मगरमच्छ। ते हुण अकाली दल दे लीडर ते FIR दर्ज करवा कांग्रेस सरकार वादा वफा करन दा दम भर रही है ते अकाली दल उसे अंदाज च जवाब देने लई कल है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪਖਾਇਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰ 2 DGP ਅਤੇ 3 ADGP ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5-6 IPS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਚੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ADGP SK ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, CM ਚੇਨੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ, ਪੱਤਰੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ DGP ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਕ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ CM ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦਾ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਣੇ ਚੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕੱਲਾ DGP ਚਤੁਪਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਖੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਅੱਗ 'ਚ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ARG ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੀਫ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ADGP ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ADGP SK ਅਸਥਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡਸ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੇਨੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ ਰਹੇ ਨੇ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ADGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ। ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ SK ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ SK ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ 3ਜਾ ਚੀਫ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ, 2018 'ਚ ਆਈ STF ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। STF ਚੀਫ ADGP ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
हरप्रीत सिंह सिद्धू आईपीएस अधिकारी ने वो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कार्यकाल दौरान ही सब तो वध चर्चा में आए। पंजाब पुलिस के एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू सख्त पुलिस अफसर वजो जाने जाते हैं। सत्ता में आने तो बाद कैप्टन ने हरप्रीत सिद्धू को सीआरपीएफ तो विशेष तौर पर पंजाब में नशे कंट्रोल करने की जिम्मेवारी सौंपी सी। हरप्रीत सिद्धू के डेपुटेशन का अरसा बाकी रहिंदा सी पर कैप्टन उन्हां इंतजार करने के मूड में इसलिए नहीं सन क्योंकि चोन प्रचार दौरान उन्होंने चार हफ्तों के अंदर अंदर नशे की सप्लाई लाइन तोड़न का वादा किया। कैप्टन को लगता सी कि हरप्रीत सिद्धू के अलावा उन्होंने सूबे का कोई होर अफसर यह ड्यूटी वधिया तरीके नहीं निभा सकेगा। सरकार बनते ही नशे की रोकथाम एसटीए बनाई गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस दे लई मुखी एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू नूं लाया। हरप्रीत सिंह सिद्धू 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी ने। हरप्रीत सिद्धू एंटी नक्सल ऑपरेशन लई छत्तीसगढ़ तैनात रहे। साल 2017 विच कैप्टन ने नशियां ते एसटीए बनाई। एडीजीपी हरप्रीत सिंह सिद्धू नूं एसटीए मुखी लाया गया। हरप्रीत सिद्धू नूं अमृतसर बठिंडा बॉर्डर रेंज का स्पैशल चार्ज दिता। सितंबर 2018 विच हरप्रीत सिद्धू तो एसटीएफ का चार्ज वापस ले लिया। हरप्रीत सिद्धू तो दोवें बॉर्डर रेंज का चार्ज भी वापस ले लिया गया। हरप्रीत सिद्धू नूं स्पैशल प्रिंसिपल सकत्तर सीएम नाल ला दिता गया। सितंबर 2018 में हरप्रीत सिद्धू नूं बदल के मुहम्मद मुस्तफा नूं एसटीएफ की कमांड दी गई। मुहम्मद मुस्तफा भी एसटीएफ मुखी कुछ समा ही रहे। बाद में आईजी गुरप्रीत कौर द्यो नूं एसटीएफ मुखी ला दिता गया। कहा गया कि इस पूरे समय के एसटीएफ इन्हां दोवां अफसरां के कार्यकाल दौरान कुछ ज़्यादा नहीं कर सके, जिस तो बाद मुड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरप्रीत सिद्धू नूं एसटीएफ मुखी ला दिता। इतने पिछोकड़ वापरिया कुछ घटनावां की गल कर लेंदे हां जो हरप्रीत सिद्धू के एक समय भारी पईआं सन अते उन्हां तों एसटीएफ मुखी का चार्ज वापस ले लिया गया सी। हरप्रीत सिद्धू ने हाईकोर्ट में ड्रग्स मामले नूं लैके एक रिपोर्ट सौंपी सी। हाईकोर्ट नूं सौंपी रिपोर्ट बिक्रम मजीठिया खिलाफ जांच की लोड़ दसी। हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट उपर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुप्पी धार गए। नवजोत सिंह सिद्धू सामने आए जिन्हें मजीठिया खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरप्रीत सिद्धू नूं उस समय के डीजीपी सुरेश अरोड़ा के अधीन कर दिता गया। हरप्रीत सिद्धू पहला सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं रिपोर्ट करते सन। हरप्रीत सिद्धू और सुरेश अरोड़ा दरमियान रिश्ते कुछ सुखावे नहीं सन। कहा जाता है हरप्रीत सिद्धू मंजूर नहीं सी कि वह सुरेश अरोड़ा रिपोर्ट कर। इस गल तो मुनकर नहीं होया जा सकता कि हरप्रीत सिद्धू ने नशे खिलाफ़ कई प्रोग्राम शुरू किए जिन्हों वड़ी और डैपो प्रोग्राम विशेष सन। हरप्रीत सिद्धू के इन्होंने प्रोग्रामों की काफ़ी तारीफ भी हुई। इस दौरान वार बार बदले जा रहे एस टी मुखी लैके सरकार की दुविधा साफ विखाई दे रही थी। लगता सी कि सरकार को भी एहसास से कि जिस तेजी नशे खिलाफ़ काम होना चाहिए सी शायद उस ढिल रही, इसलिए मुड़ एसटीएफ की कमान हरप्रीत सिद्धू के हाथ दी गई। जाते जाते एक जरूरी सूचना, हुण तुसी एबीपी सांझा टाटा स्काई दे चैनल नंबर 1929 ते भी वेख सकते हो। फिलहाल दे लई इना ही, देश दुनिया दियां तमाम खबरां वेखण लई तुसी वेखदे रहो एबीपी सांझा।